How can any religion have anything to do with terrorism? How was Islam equated with terrorism? There was this perception that there are different types of Islam. There's some radical Islam, there's some moderate, there's some liberal Islam. There is only one Islam, Islam of a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. मुसलमान फलस्तीन और कश्मीर इश्यूज पर नाकाम रहे, हम कोई असर डालने में नाकाम हो गए, इख्तिलाफात का शिकार हैं, हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। वजीर आजम इमरान खान का OIC वज़रा खारजा कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब, कहा आज इस्लामी अकदार का वजूद खतरे में है। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की सोच में इजाफा हुआ, इस्लामोफोबिया के नाम पर होने वाले वाकयात पर दुनिया खामोश रही। 1.5 अरब मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया, जो गलत है, मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा में तारीखी करारदाद की मंजूरी पर मुस्लिम ममालिक को मुबारकबाद भी दी। अफगान जमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस्लामोफोबिया के खिलाफ 15 मार्च को आलमी दिन करार देना बड़ी कामयाबी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, चाहते हैं कशीदगी कम करने के लिए दोनों ममालिक मुज़ाकरात करें। अफगान आवाम के इंसानी बुनियादी हुकूक की हिमायत करते हैं। अफगान अमन अमल के लिए OIC का किरदार अहम है। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं। OIC ममालिक यकजहती और मुश्तरका मफाद के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह ने नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली। कावे मुसवी ने नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान बेकसूर होने का एतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ करप्शन नहीं ढूंढ सका। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ब्रॉडशीट मामले से मुतल्लिक नए इंकशाफात कर दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी कौम के सामने इमरान नियाजी का झूठ फिर सामने आ गया। ब्रॉडशीट ने कहा कि नैब ने उन्हें गलत इतला दी, उनकी कोई बुनियाद नहीं थी। मियां नवाज शरीफ ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। मौजूदा आर्मी चीफ ने साफ अल्फाज में कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मेरी इज्जत की। इमरान खान 65 मिलियन पाउंड्स खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ को तो अल्लाह ने सुरखरू कर दिया, मगर मौसूवी का माफी नामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। इसको बताना होगा कि कौम का पैसा अपने इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार इसको किसने दिया। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का शोर, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान राबते तेज। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने पूछा, आपने अदम एतमाद की तहरीक पर क्या फैसला किया? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM फैसला करने के बाद आगाह कर देगी। जरदारी ने कहा कि इस मामले पर मुझसे और बिलावल से राबते में रहें, इस्लामाबाद में बिलमुशाफा मुलाकात होगी, जो तय होगा अमल भी करेंगे, आप दोनों से राबते में भी रहेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। PDM सरबराह हुकूमती इत्तेहादी से मदद मांगने कराची में MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान की MQM पाकिस्तान की क्यादत से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी है। MQM पाकिस्तान से मुलाकात से मुकम्मल तौर पर मुतमइन होकर जा रहा हूँ। MQM पाकिस्तान को ऐलान करने में मजीद एक रोज लग जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम आपका और आप हमारा साथ दें। महंगाई मार्च के लिए JUI खैबर पख्तूनख्वा का शेड्यूल तैयार। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान हकला से रैली की क्यादत करते हुए इस्लामाबाद दाखिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला से काफले 25 मार्च की सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। आप बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। तहरीक एतमाद भारी वोटों से कामयाब होगी इंशाल्लाह, और जब लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो आपको पता लगेगा कि जलसा क्या होता है। तुमने जितनी इनिंग खेलनी थी खेलनी,
तुमने जितने यॉर्कर मारने थे मार लिए, अब ऑपोजिशन गुगली कराएगी और इंशाल्लाह ताला तुम क्लीन बोल्ड होगे। ऑपोजिशन की गुगली में इमरान नियाज़ी क्लीन बोल्ड होंगे। जब से तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है इमरान नियाज़ी धमकियां दे रहे हैं। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वक्त ने इमरान नियाज़ी को बेनकाब कर दिया, ना 50 लाख घर बने ना 1 करोड़ नौकरियाँ दी गई, जब लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो लग पता जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के इस्लामी दुनिया में मुनफरिद मकाम को तस्लीम करता है। अमनो इस्तेहकाम और उभरते हुए चैलेंजेस का हल तलाश करने के लिए OIC वजरा खारजा इजलास एक तारीखी पेशरफ्त है। आर्मी चीफ से आजरबाइजान के वजीर दिफा और जमहूरिया किर्गिस्तान के वजीर खारजा की अलग अलग मुलाकातें, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई तआवुन को मजीद बढ़ाने के इकदामात पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से आजरबाइजान के वजीर दिफा और नेशनल गार्ड ऑफ बहरीन के कमांडर जनरल से दो तरफा मुलाकातें। पाकिस्तान और बरदर मुस्लिम ममालिक के दरमियान दफाई और सिक्योरिटी तालुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक तमाम फरीकान ने दो तरफा तआवुन के मुख्तलिफ शोबों और मौजूदा इलाकाई माहौल बिलखसूस अफगानिस्तान के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। मुअज्जज मेहमानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और पाकिस्तान की मुसलह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। रेलवे हुकाम की नाअहली की इंतहा, 1,31,000 पेंशनर्स को मार्च की पेंशन न मिल सकी। बुजुर्ग पेंशनर 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर, कई बेहोश हो गए। रेलवे पेंशनर्स में ग्रेड 21 के रिटायर्ड अफसर भी शामिल। CEO रेलवे ने एक बार फिर पेंशनर्स को जल्द रकम मिलने की यकीन दहानी करा दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्जा पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट के लिए मंजूर किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने ऐलामिया जारी कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से मंजूर करदा प्रोग्राम के तहत इदारा जाती और रेगुलेटरी असलाहत मुतारिफ कराए जाएंगे। पानी जिंदगी है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड वाटर डे आज मनाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में सिर्फ 44% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर है, जो तशवीशनाक है। बर वक्त डैमों की तामीर ना होने से ज़रई पैदावार के लिए भी पानी की कमी का सामना है।